अगर आपको पार्टनर जानबूझकर परेशान कर रहा है, जानबूझकर तड़पा रहा है, आप अंदर से काफ़ी दुखी हो रहे हो, हर दिन परेशान रहते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हम पार्टनर के बिहेवियर के साथ कैसे डील कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। जब हमें पार्टनर बार बार तड़पाए, जानबूझकर इग्नोर करे, जानबूझकर दुखी करे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। वेल, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी कॉल बुक कर सकते हो और डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वेल, अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर एक एक मिनट की मैं काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, जब पार्टनर हमें बार बार तड़पाए, बार बार दुखी करे, बार बार परेशान करे, तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले ना दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि पार्टनर का बिहेवियर ही ऐसा था, लेकिन हम शुरुआत में थोड़ा इग्नोर करते थे। जब पार्टनर हमें दुखी करता था, परेशान करता था, तब हमें काफ़ी ज़्यादा प्यार था, इसलिए हम उन बातों को इग्नोर करते थे। लेकिन आज वो सारी बातें बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर हो गई है। पहले पार्टनर थोड़ा इग्नोर करता था, अब बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। पहले थोड़ा दुखी करता था, अब जानबूझकर बार बार दुखी कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी बातें हो सकती है कि पार्टनर का बिहेवियर ही ऐसा है कि उन्होंने दुखी करना एक आदत बना ली है, आपको परेशान करना एक आदत बना ली है, आपको कमज़ोर बनाना एक आदत बना ली है, आपके कमज़ोरी के साथ खेलना एक आदत बना ली है। तो ये हो सकता है कि पार्टनर का ही बिहेवियर है। अब दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने ही पार्टनर को इतना कंट्रोल देके रखा है अपने इमोशंस का, अपने आप का, कि वो जब चाहे तब आपको दुखी कर सकते हैं। आप छोटी छोटी बातों के वजह से दुखी हो जाते हो, खुद ही मान जाते हो, खुद ही उनके आगे पीछे घूमते रहते हो, खुद ही रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते रहते हो। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये कि पार्टनर का बिहेवियर ही ऐसा है, दूसरी सिचुएशन ये कि आपने ही ये गलती की है कि पार्टनर को अपने इमोशंस का कंट्रोल देके रखा है। लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि इन दोनों सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन जो मैंने आपको कहा था कि पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, उस सिचुएशन में हम कैसे क्या कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब कुछ बातों को ना समझने की कोशिश करो कि पार्टनर आपको दुखी कर रहा है। पहले तो भी पार्टनर को थोड़ा फर्क पड़ता था, लेकिन आज की डेट में तो पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, समझने के लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए वो बिना डरे आपको दुखी करते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। आपके दुख के बारे में वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो आपको आज दुखी करेंगे, गाली देकर बात करेंगे, इग्नोर करेंगे, दो चार दिन आप नाराज़ रहोगे, या दो चार दिन भी आप नाराज़ नहीं रहोगे, कुछ देर आप नाराज़ रहोगे, फिर खुद ही मान जाओगे। यानी कि पार्टनर के पास एक कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और इसी कॉन्फिडेंस का पार्टनर गलत फ़ायदा उठा रहा है। अब यहाँ पे मैं पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस भी आपने ही उन्हें देकर रखा है। जैसे मान लो कि पार्टनर ने ना पहली बार आपको गाली दी, अब उस सिचुएशन में हम बड़े महान बनने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा ही पार्टनर है, हमारा ही प्यार है, दुखी होंगे इसलिए गाली दे दी, परेशान होंगे इसलिए गाली दे दी, और उन बातों को हम आसानी से माफ़ कर देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, पार्टनर जब जब परेशान होते तब तब गाली देते हैं, जब जब परेशान होते तब तब इग्नोर करते हैं, और उन्हें आज ये चीज़ समझ में आ गई है कि वो आपके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए वो अपने आप को बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्टैंड लेना होगा। जब तक स्टैंड नहीं लोगे तब तक सिचुएशन ऐसी ही चलती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पार्टनर खुद आपसे बोर होके आपको छोड़ के चले जाएंगे। देखो कितनी अजीब सिचुएशन है, ना आपकी गलती है, ना आपने गलत किया, उन्होंने ही आपको बुरे तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट किया, उनका ही मन भर गया आपसे, अब वही आपसे दूर जा रहे हैं।
यहाँ पे हम ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो उनको कुछ कहा ही नहीं, फिर भी वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। दरअसल गलती यही है कि हम उन्हें कुछ कहते नहीं हैं, हम एडजस्ट करते हैं, हम उन्हें समझाते नहीं हैं। एक बात याद रखना कि अगर उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो गाली देते हैं, इग्नोर करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन आप एडजस्ट कर रहे हो, ये आपकी गलती है। आप हमेशा याद रखना, जितना एडजस्ट करोगे उतनी ही वो बातें बढ़ेगी। अगर वो निगेटिव तरीके से बात कर रहे हैं, गाली देकर, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और आप एडजस्ट कर रहे हो, नहीं हमारा पार्टनर, हमारा प्यार, हमारा पार्टनर, हमारा प्यार, तो फिर वो ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा। इसीलिए आपको स्टैंड लेना होगा। कैसे स्टैंड ले सकते हो? कि जब वो आपको तड़पाए, जब वो बुरे तरीके से आपसे बात करे, जब वो आपको इग्नोर करे, तो सिचुएशन में उनको चेस मत करो, उनके पीछे मत भागो। कुछ टाइम उनको भी ये रियलाइज़ होने का टाइम दो कि आपको भी बातें बुरी लगती है, आप भी परेशान होते हो, आप भी दुखी होते हो। लेकिन अगर आप अपना दुख बताओगे ही नहीं, परेशान हो ये समझाओगे ही नहीं, तो भी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। कमाल की बात तो यहाँ पे और एक है, एक बात को आप और समझने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके सामने रोते रहो, परेशान होकर उन्हें बताओ कि आप दुखी हो रहे हो। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, जब वो दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं ना, तो उनके सामने रोते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि देखो हम आपके वजह से कितने परेशान हैं, हम आपके वजह से कितने दुखी हैं। 100 बार कॉल्स करते हो, 50 बार कॉल्स करते हो, मैसेजेस करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, तो इससे सिचुएशन ठीक नहीं होगी, इससे सिचुएशन कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। इसीलिए आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, नाराज़गी रखो, थोड़ी शांति रखो। अगर उन्होंने अच्छे से बात नहीं की उस सिचुएशन में, उनसे बात करने की कोशिश मत करो, कुछ घंटों के लिए बात बंद कर दो। बुरा लगता है ना, तो शो करो कि आपको बुरा लगता है, और ये शो करने के लिए उनसे बात करना भी ज़रूरी नहीं है, उन्हें बताना भी ज़रूरी नहीं है, तो फिर कैसे शो कर सकते हैं हम? एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं आपसे कॉल पर बात कर रहा हूँ, अब बात करते करते मैं बड़ा परेशान हो गया और मैंने आपको गाली दे दिया कि आप पागल हो, बेवकूफ़ हो, स्टूपिड हो, तो ये आप ये मत बताओ कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको ये बोलने का हक नहीं है। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप शार्प शब्दों में कहो कि मुझसे ऐसे बात मत करो और कॉल रख दो, शांति रखो, स्टेबिलिटी रखो, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि वो बात आपको बुरी लगी है। चीख चीख कर बताओगे, परेशान होकर बताओगे, तो मेरा ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फ़ोन कट कर दोगे, साफ शब्दों में आपने कह दिया कि श्रवण मुझसे ऐसे बात मत करो और आपने फ़ोन रख दिया, तो मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप नाराज़ हो। और यही बात आपको पार्टनर के साथ भी करनी है, जब वो गलत तरीके से बात करे, जब वो अच्छे से बात ना करे, साफ शब्दों में उन्हें बताओ और थोड़े टाइम के लिए दूरी बना लो, वो कहीं नहीं जाएंगे। डर कर मत रखो खुद को, डर कर रहोगे, परेशान होते रहोगे। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि हमने खुद को इतना कमज़ोर बना के रखा है भाई साहब, कि हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हमें तो पार्टनर का प्यार चाहिए, पार्टनर चाहे गाली देकर प्यार करे, मार कर प्यार करे, इग्नोर करके प्यार करे, हमें तो केवल प्यार चाहिए। ये प्यार नहीं है, इतना दुखी आप नहीं हो सकते गाइज। इन बातों को समझने की कोशिश करो कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो, अपने इमोशंस का कंट्रोल उन्हें दे रहे हो, कि जब चाहे तब वो आकर आपको मना सकते हैं, जब चाहे तब आपको वो गाली दे सकते हैं, जब चाहे तब वो आपसे रूडली बात कर सकते हैं, जब चाहे तब वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये वो जब चाहे तब की जो बात है ना, वो हमेशा करते रहेंगे। आज उल्टी सीधी बातें करेंगे, कल 2 बार सॉरी कहेंगे और 3री बार में आप मान जाओगे, फिर 10 दिनों के बाद वही सिचुएशन होगी, 5 दिनों के बाद वही सिचुएशन होगी। आपने कुछ भी उल्टा सीधा कहा, छोड़ने की धमकी दे देंगे कि देखो ऐसे बात करोगे तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इसीलिए वो ये बातें आपको कहेंगे। याद रखना, अगर उनकी गलती है तो वो चाहे छोड़ने की धमकी दे या दूर जाने की धमकी दे, आपको डरना नहीं है। डरोगे वो हर बार डराएंगे, और फिर आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। अगर बार बार ब्लेम करोगे, परेशान होते रहोगे। इसीलिए अपने इमोशंस का कंट्रोल उनको नहीं देना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है। जहाँ पे उनकी गलती है, उन्हें थोड़ा मौका दो समझने का। मौका भी नहीं दोगे समझने का, उम्मीद भी करते रहोगे कि वो समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, तो वो नहीं समझेंगे। इसलिए जो बात बुरी लगती है, जो बात वो अच्छे से नहीं करते हैं, तड़पाने की कोशिश करते हैं, तो तड़पो मत उनके लिए। अगर वो इग्नोर कर रहे हो और आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, और 10 दिन के बाद वो इग्नोर करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप पीछे पीछे भागोगे, तो जब वो इग्नोर करे तो उन्हें 100 तरीके से मत समझाओ, टाइम दो,
कभी टाइम देकर भी देखो, नहीं तो समझाने के लिए अलग अलग तरीके से परेशान होते रहोगे, कुछ नहीं होगा। वेल अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 और अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर, अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ एक एक मिनट की, देखकर दिल को सुकून मिलेगा, इसलिए इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच।